पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को इस वक्त बीजेपी हेडक्वार्टर्स लखनऊ में लोग श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंच रहे हैं। उनमें बीजेपी के राजनेता भी शामिल हैं और आम कार्यकर्ता भी शामिल हैं। इससे पहले प्रधानमंत्री मोदी ने लखनऊ पहुंचकर कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान जेपी नड्डा उनके साथ मौजूद रहे। पीएम मोदी ने कल्याण सिंह को श्रद्धांजलि देने के बाद कहा कि हम कल्याण सिंह जी के सपनों को पूरा करेंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने अपने नाम को साकार किया। कल्याण सिंह हमेशा जन कल्याण का काम करते रहे। सबके लिए ये शोक की घड़ी है। कल्याण सिंह जी के माता पिता ने उनका नाम कल्याण सिंह रखा था। उन्होंने जीवन ऐसे जिया कि उन्होंने अपने माता पिता ने उन्हें जो नाम दिया था उस नाम को सार्थक किया। वो जीवन भर जन कल्याण के लिए जिए। उन्होंने जन कल्याण ही अपना जीवन मंत्र बनाया और भारतीय जनता पार्टी, भारतीय जनसंघ, आईडी पकड़ लेंगे जरा मेरा, पूरे परिवार को एक विचार के लिए, देश के उज्जवल भविष्य के लिए उन्होंने समर्पित किया। कल्याण सिंह जी भारत के कोने कोने में एक विश्वास का नाम बन गए थे, एक प्रतिबद्ध निर्णयकर्ता का नाम बन चुके थे और जीवन के अधिकतम समय वे जन कल्याण को लिए हमेशा प्रयत्नरत रहे। उनको जब भी जो दायित्व मिला, चाहे वो विधायक के रूप में हो, चाहे सरकार में उनका स्थान हो, चाहे गवर्नर की जिम्मेवारी हो, हमेशा हरेक के लिए एक प्रेरणा का केंद्र बने, जन सामान्य का विश्वास का प्रतीक बने। देश ने एक मूल्यवान शख्सियत, एक सामर्थ्यवान नेता खोया है। हम उनके भरपाई के लिए उनके आदर्शों, उनको संकल्पों को लेकर के अधिकतम पुरुषार्थ करें और उनके सपनों को पूरा करने में कोई कमी न रखें। प्रधानमंत्री ने पहुंचकर श्रद्धांजलि दी और उसके बाद जो उनके शब्द थे वो अभी अभी आपने देखे सुने। इस वक्त हमारे दो सहयोगी हमारे साथ सीधा कनेक्ट हैं, अलीगढ़ में उस स्थान पर मौजूद हैं, पत्रिका आवास पर मौजूद हैं हमारे सहयोगी नितिन उपाध्याय, जहां पर जन्म हुआ पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह का और शुरुआती जीवन बीता, और इस वक्त लखनऊ एयरपोर्ट पर मौजूद है हमारे सहयोगी रतीश त्रिवेदी, वहां से सीधा कनेक्ट हैं। तो पहले रतीश के पास चलेंगे लखनऊ एयरपोर्ट और उनसे जानेंगे कि वहां से उनके पास क्या ताज़ा जानकारी है, क्या ताज़ा अपडेट है, बताइए रतीश। बिल्कुल, देखिए कल्याण सिंह का कद और इतने कद्दावर नेता थे कि हर व्यक्ति जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ा है या किसी भी अन्य दल से जुड़ा हुआ है, हर व्यक्ति अपने दिवंगत नेता को श्रद्धासुमन अर्पित करना चाहता है। सुबह से ही पहले प्रधानमंत्री एयरपोर्ट पहुंचे और कल्याण सिंह को नमन किया और उसके बाद रक्षा मंत्री आए, उसके बाद बिहार के राज्यपाल आए और अब उत्तराखंड के जो मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, उनके आने की चर्चा है। 2 बजे का तय शेड्यूल था, उनके जो समर्थक हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं, वो सब यहाँ पर पहुँच चुके हैं। कुछ लोग हैं उनसे बात कर लेते हैं, चूँकि 2 बजे का वक्त है और अंतिम नमन करने के लिए पुष्कर सिंह धामी यहाँ पहुँच रहे हैं। गणेश जी, आपसे जानना चाहेंगे क्या कार्यक्रम है मुख्यमंत्री उत्तराखंड का?
आज के इस कार्यक्रम में हमारे उत्तराखंड के युवा मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी, क्योंकि दिवंगत स्वर्गीय कल्याण सिंह जी के उस पर आ रहे हैं, क्योंकि ये अचानक प्रोग्राम बना और समाज में के लोगों को, क्योंकि ऐसे लोकप्रिय मुख्यमंत्री का यहाँ लखनऊ में इंतज़ार था और वो यहाँ पर आ रहे हैं, और हम लोग पूरी तरह से सिर्फ यहीं नहीं, एयरपोर्ट पर ही नहीं, आज सुबह से हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं उनके आने का, और जैसे ही आएंगे हम लोग उनको लेके भाजपा कार्यालय पहुँचेंगे और वहाँ पे वो उनको दिवंगत कल्याण सिंह जी को पुष्प अर्पित करेंगे। ठीक है रतीश, ये बात साफ हो गई कि पुष्कर सिंह धामी एयरपोर्ट पर आने के बाद सीधा बीजेपी दफ्तर जाएंगे और वहाँ पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह को। लेकिन कितनी देर में वहाँ पर पहुँच सकते हैं, इस बारे में क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए 2 बजे का तय वक्त बताया जा रहा है, क्योंकि ये उत्तराखंड भवन के और उत्तराखंड के तमाम नेता हैं जो अपने मुख्यमंत्री का इंतज़ार कर रहे हैं, और 2 बजे से थोड़ा सा लेट हो रहा है, देर हो रही है, जैसा कि ये बता रहे हैं, क्योंकि ख़राब मौसम बताया जा रहा है और ख़राब मौसम की वजह से टेक ऑफ नहीं हो पा रहा है, इसीलिए थोड़ी सी देर हो रही है। लेकिन ये लोग लगातार फ़ोन पर बातचीत कर रहे हैं, वहाँ के अधिकारियों से लगातार बातचीत हो रही है, और ये कहा जा रहा है कि जैसे ही मौसम साफ़ होगा पुष्कर सिंह धामी कल्याण सिंह को नमन करने यहाँ पर पहुँचेंगे। तमाम अन्य नेता हैं जिनके वीवीआईपी मूवमेंट की जानकारी एयरपोर्ट अथॉरिटी से मिल रही है, और भी कई नेता हैं, कलराज मिश्रा के भी आने की बात कही जा रही है कि वो भी आएंगे, लेकिन जो विदाई का कार्यक्रम है, अंतिम विदाई का कार्यक्रम है, उसे भी जल्द से जल्द किया जा रहा है, क्योंकि पूरा एक भारतीय जनता पार्टी कार्यालय से कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को लेकर एयरपोर्ट लाया जाएगा और उसके बाद एयर एम्बुलेंस से अलीगढ़ ले जाया जाएगा। उसके पहले हर पार्टी का कार्यकर्ता, नेता और बड़ा दिग्गज कद्दावर नेता सभी उनको अंतिम दर्शन कर रहे हैं, उनको नमन करने के लिए पहुंच रहे हैं, और उसी कड़ी में अभी कई और वीवीआईपी लखनऊ पहुंच सकते हैं। जी ठीक है रतीश, हम आपके पास वापस लौटेंगे। फिलहाल नितिन के पास चलते हैं अलीगढ़, और उनसे जानते हैं कि वहां पर इस वक्त क्या वो देख रहे हैं, क्योंकि बात हो रही है कि एयर एम्बुलेंस से बहुत यहाँ पर कार्यक्रम समाप्त होने के बाद कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को अलीगढ़ ले जाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है वहाँ भी प्रशासन चौकन्ना होगा और वहाँ भी इस तरह की तैयारियां हो रही होंगी कि कैसे अलीगढ़ की जनता और वो जनता जिसने उन्हें शिखर तक पहुंचाया, सबसे पहले प्रेम दिया, स्नेह दिया, वो कैसे नमन करने वाली है, श्रद्धांजलि देने वाली है अपने चाहते नेता को। नितिन राजन, देखिए इसमें जिस तरीके से इस समय बीजेपी कार्यालय पर, प्रदेश कार्यालय पर कल्याण सिंह का जो पार्थिव शरीर रखा हुआ है, और जो तमाम कहा जाए उनके चाहने वाले हैं, तमाम जो पार्टी कार्यकर्ता हैं, जनता है, बीजेपी का जो लीडरशिप है, वो लगातार वहाँ उनके दर्शन कर रही है, और उसके बाद अब उनका जो वहाँ से जो पार्थिव शरीर एक रथ में चल के वो फिर एयर एम्बुलेंस के जरिए अलीगढ़ पहुँचेगा, और अलीगढ़ में जो अलीगढ़ स्टेडियम है रामघाट रोड पर, वहाँ उनका जो पार्थिव शरीर है वो अंतिम दर्शनार्थ रखा जाएगा, और उसके बाद कल यहाँ से जो बुलंदशहर में, हालांकि लगता है नरोरा में जो गंगा घाट है, जो न्यूक्लियर प्लांट भी है, वहाँ गंगा घाट पर उनका अंतिम संस्कार दोपहर के बाद की जो पूरी संभावना जताई जा रही है। तो कुल मिला के कहा जाए, जिस तरीके से बहुत बड़ा राजनीतिक व्यक्तित्व का जो कद रहे हैं, बहुत बड़ा व्यक्तित्व रहे हैं देश की राजनीति में कई दशकों तक, जिस तरह से कहा जाए उनके एक एक बात की वैल्यू रही है, जिस तरीके से वो 2 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, 2 बार वो राज्यपाल रहे हैं, चाहे वो राजस्थान हो या हिमाचल हो, बिल्कुल कहा जाए देश का बहुत बड़ा नेता गया है, तो कहीं ना कहीं लोग अपने नेता को अंतिम दर्शन के लिए स्वाभाविक है वो देखना चाहते हैं, अंतिम बार उन्हें अंतिम बार प्रणाम करना चाहते हैं उनके घर पर, बीजेपी दफ्तर लखनऊ से। ये देखिए आप, एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है पार्थिव शरीर को दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के, और वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए अलीगढ़ ले जाया जाएगा। तो ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं बीजेपी दफ्तर लखनऊ से, यहाँ पर अंतिम दर्शन का कार्यक्रम अब समाप्त हो गया है और यहाँ से पार्थिव शरीर को ले जाया जा रहा है लखनऊ एयरपोर्ट, वहाँ से एयर एम्बुलेंस के जरिए अलीगढ़ ले जाया जाएगा और वहाँ पर फिर स्टेडियम में रखा जाएगा वहाँ की जनता के अंतिम दर्शनों के लिए पूर्व मुख्यमंत्री कल्याण सिंह के पार्थिव शरीर को, उनकी भौतिक देह को। और ये देखिए आप, अश्रुपूरित श्रद्धांजलि, नम आंखें, बीजेपी कार्यकर्ताओं की भावुक अपने प्रिय नेता को अंतिम विदाई देते हुए
उन्हें अंतिम बार देखने के लिए बड़ी संख्या में उमड़े ये बीजेपी कार्यकर्ता और उनके चाहने वाले, उनके प्रशंसक, उनके फॉलोअर्स, उनके अनुगामी, सभी ने उन्हें अंतिम प्रणाम किया। यहां से उनकी पार्थिव देह को ले जाया जा रहा है लखनऊ एयरपोर्ट, वहां से एयर एम्बुलेंस के जरिए अलीगढ़ ले जाया जाएगा, लखनऊ एयरपोर्ट ले जाया जा रहा है। और उसके पहले जो आज की बड़ी तस्वीरें आप देखिए, कैसे श्रद्धा सुमन अर्पित किए तमाम बड़ी हस्तियों ने, तमाम जाने माने लोगों ने, उत्तर प्रदेश और केंद्र की राजनीति से जुड़े हुए, भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए, दूसरे राजनीतिक दलों से जुड़े हुए, चाहे कल्याण सिंह के आवास पर हो या फिर विधान भवन में हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के मुख्यालय लखनऊ पर हो।